वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, तुसी वेख रहे हो कथा गुरबाणी विचार। सब तो पहला तुसी चैनल नूं सबसक्राइब कर लवो ते नाल ही बैल आइकन जरूर दबा लवो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट तुहाडे तक पहुँच सके। अते नाल ही जेकर तुहानू इह वीडियो चंगी लगी तां इस नूं लाइक ते शेयर जरूर करियो। प्यारी साध संगत जी, जिवें कि सब नूं पता है कि नमक दा साडे जीवन विच बहुत ही महत्व है। इस दी वरतों हर घर विच कीती जांदी है। नमक दीआं किस्मां भी बहुत हुंदीआं ने, जिवें कि सफेद नमक, काला नमक, सेंधा नमक, पहाड़ी नमक, कई तरह दा नमक हुंदा है। इस दा स्वाद भी वक्खरा वक्खरा ही हुंदा है। कहा जांदा है कि जे इस दी वरतों सही ढंग नाल कीती जाए तां सानूं शरीरक, मानसिक ते आर्थिक लाभ दे सकदा है। घर दे किसी भी थां ते इक भांडे विच नमक पा के जरूर रखना चाहिए है। इस नाल घर विच कदे भी नकारात्मकता नहीं आउंदी। जिस तरह इंटरनेट दी रेंज घूमदी है उसे तरह नमक दा जो असर है सारे घर विच हुंदा है। घर विच सकारात्मकता बनी रहिंदी है। दूजी गल, सानू घर विच हफ्ते विच दो तीन वार नमक दा पोचा जरूर लाउणा चाहिए है। एक बाल्टी विच एक दो चम्मच नमक पा के पोचा लाओ। इस नाल घर ते होए जादू टोने का असर नहीं होएगा। तीजी गल, जे शरीर थकिया होया रहिंदा है जां टेंशन है कम कार दी, कारोबार दी, तां नहाउण वाले पानी विच भी रोज़ अद्धा चम्मच नमक पा के इशनान करो। इस नाल एलर्जी दी समस्या तों भी छुटकारा मिलेगा। हाथ पैर भी नमक वाले पानी नाल धो के सौ। इस नाल मन दा तनाव भी दूर हुंदा है ते चंगी नींद आउंदी है। रात नूं सौण वेले भी कमरे दे विच थोड़ा जिहा नमक रखो। पति पत्नी दा कलेश, बहस जां कोई भी परेशानी होएगी दूर हो जाएगी। इस नाल नकारात्मकता सारी नमक अपने विच सोख लैंदा है ते घर विच चंगा माहौल बनिया रहिंदा है। इह कोई वहम नहीं, साडा विज्ञान भी इस टॉपिक ते तर्क कर चुकिया है ते इह सच है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा नूं घर विचों खत्म कर दिंदा है। तां आओ फिर इस महापंचमी दे इस खास अवसर ते घर दीआं इहनां दो मुख थावां ते नमक रख के घर नूं खुशियां नाल भरीए। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।